बेटा 6 से ले लो कुलसुम, लो ये लो, लो बेटा। क्या हुआ बेटा? पापा ये रोटी मुझसे खाई नहीं जा रही। या मौला। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। पापा ये सूखी रोटी हम कब तक खाते रहेंगे? पापा ये ब्राउन वाले इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाते रहे हम सूखी रोटी। अरे कहीं उनकी साइड पानी तो नहीं गिर गया? बच्चों मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ, एक बार मेरा काम लग जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा, फिर तुम अच्छे से सहरी और इफ्तार करना। पापा आप हर बार यही कहते हो। पापा आपने पिछले साल भी यही कहा था, तब भी हमने सूखी रोटी से ही गुजारा किया था। बेटा तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, बेटा ये सामान उठा कर रख देना और नमाज और कुरान तुम भी पढ़ लेना। ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। अरे ये बेचारे तो सूखी रोटी से रोजा खोल रहे हैं, इनको देखकर बहुत दुख हुआ। हाँ मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। भाई वो बराबर वाले हैं ना, वो सूखी रोटी से इफ्तार कर रहे हैं, मुझे उन्हें देख के बहुत दुख हो रहा है। तुझे क्यों दुख हो रहा है? कर रहा है तो करने दे, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तू इफ्तारी तैयार कर दे। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इफ्तारी तैयार करती हूँ। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, उन्होंने सहरी की होगी भी या नहीं, आज भी उन्हें कुछ नसीब हुआ होगा या नहीं, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। साढ़े तीन बज चुके हैं, उनको देखकर आती हूँ। पापा आज भी 5 बार रोजा हो गया है, आज भी हम सूखी रोटी खा रहे हैं। बेटा कल मुझे किसी ने काम के लिए बताया था, आज मैं काम के लिए जाऊंगा, बस मेरा काम लग जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छी इफ्तारी और खाने के लिए लाऊंगा। पापा आप हर बार यही कहते हो। बेटा तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सब ठीक कर देगा। ये तो सहरी भी सूखी रोटी से कर रहे हैं, क्या करूं अब मैं, मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाई से जाकर कहती हूँ। देखना फिर हम भी सबकी तरह सहरी और इफ्तार अच्छे अच्छे फलों से करेंगे। ठीक है बेटा मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। ठीक है पापा। भाई तूने सहरी कर ली? हाँ कर ली। फातिमा इतनी सुबह तू ऊपर क्या करने गई थी? अरे मैं उन बराबर वाले बच्चों को देखने गई थी ऊपर, उन्होंने कल इफ्तार भी सूखी रोटी से ही कर लिया था और अब सहरी भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो तुझे क्यों टेंशन हो रही है? तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। मदद? तुझे पता है हम क्या है और वो क्या है? वो झोपड़े में रहने वाले लोग हैं और हम महलों में। आज हमारे पास दौलत है, शोहरत है और पैसा है, जमीन जायदाद है, अगर हम इन जैसों के मुंह लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे?
तू लोगों की फिक्र क्यों कर रहा है? ये सोच अल्लाह को जाकर क्या मुंह दिखाएगा। देख भाई, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी होती है इंसानियत। भाई ये घमंड तकबर दिखाने से कुछ नहीं होता, दौलत शोहरत जमीन जायदाद सब यही रखा रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है हमारे अमाल। भाई अच्छे लोगों की पहचान करना सीख, भले ही वो गरीब है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और हम तो अपने आप को अहले बैत का चाहने वाला मानते हैं, तो हम लोग अपनी दौलत पर तकब्बुर कैसे कर सकते हैं? और क्या तू भूल गया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रातों को जाग जाकर कैसे गरीबों की मदद की? अपने घर में फाका होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया, हत्ता कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी के साथ गुजार दी। और तू गरीबों की मदद करने में अपनी शर्म महसूस करता है? बहन तो सही कह रही है, मैं घमंड में और पैसों के लालच में चोर हो गया था। शुक्र है तुझे रियलाइज हो गया, लेकिन अब ये सोच के उनकी हेल्प करनी कैसे है? एक काम करते हैं, आज रात उन्हें अपने घर इफ्तार पे बुला लेते हैं। हाँ आइडिया तो अच्छा है, हम आज रात उन्हें इफ्तार पे बुलाएंगे और आगे रोजों में उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम उन्हें थोड़ा राशन भी दे देंगे। ठीक है बहन। अरे गाड़ी सही से धोना। मालिक साहब सही धो रहा हूँ। अरे परवेज इधर आना। हाँ भाई साहब। वो सामान उठाओ, सारा उठा के वहां रखो, उठाओ। हाँ भाई रईस, जो भी वेल्डिंग करना सही से करना। ठीक है मालिक साहब। और वेल्डर तुम भी, और हाँ तू जरा सही से काट देना। सही काटियो भाई, सही काटियो, ध्यान रखना। वेल्डिंग ठीक से करना भाई। मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते, बोलो। मालिक साहब वो रेहान ने भेजा था, बता रहा था कि आपके गैराज में कुछ काम मिल जाएगा। हाँ रेहान को मैं जानता हूँ। जी मालिक साहब। क्या क्या कर लेते हो तुम? मैं मालिक साहब सारे काम कर लेता हूँ। सारे क्या क्या, कुछ बताओगे मुझे तभी तो काम पे लगाऊंगा तुम्हें। मैं गाड़ी धो लेता हूँ, टायर वगैरह सब साफ कर लेता हूँ। अच्छा, अभी एक गाड़ी आने वाली है। जी ठीक है, जाओ जाकर उसे धो जाओ। ठीक है मालिक साहब। लगता है इस भाई नया लड़का आया है। हाँ लगता है, सही है ये। या अल्लाह आज तो बहुत गर्मी है, अल्लाह मदद कर। क्या हुआ? अरे चोट तो नहीं लगी? दिखाना भाई, मेरा रोजा है, वो मुझे चक्कर आ गए। चलो भाई तुम आराम करो, चलो आ जाओ भाई आ जाओ। अबे गाड़ी में टेंट डाल दिया। अबे ये क्या किया तूने, गाड़ी में टेंट डाल दिया? साहब जी इसका रोजा था, इसको चक्कर आ गए। चुप बे, तू अपने काम कर चल।
अबे ओए, तू पहले दिन आया और तूने पहले दिन ही गाड़ी में नुकसान कर दिया। इतना बड़ा नुकसान कर दिया, कितने सालों से मैं गैराज चला रहा हूँ, तुझे पता है कुछ? मालिक साहब वो मेरा रोजा है, मुझे चक्कर आ गए थे थोड़े। रोजा है तो नुकसान करेगा, चल भाग यहाँ से, चल। मालिक साहब माफ कर दो, जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ से, इस गाड़ी का नुकसान तो भरेगा, चल चल। ठीक है मालिक साहब, चला जाऊंगा मैं, लेकिन जो मैंने काम किया है वो मेरे पैसे तो दे दो। अबे काहे के पैसे दे दूं तुझे, एक तो गाड़ी में तूने डेंट डाल दिया और ऊपर से तू पैसे मांग रहा है, और तूने पूरे दिन भी काम नहीं किया। मालिक साहब मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मेरा रोजा है, मुझे चक्कर आ गए थे मालिक साहब। अबे तू जा यहाँ से, जा चल निकल जा। मालिक साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे, उनका रोजा है, मैं उनके लिए कुछ लेकर जाऊंगा, मुझे पैसे दे दो मालिक साहब। अबे यार मैं कह तो रहा हूँ तेरे से, तू यहाँ से निकल, चल जा, चल चल यहाँ से, चल भाग, चल निकल यहाँ से, चल। आज के बाद दिख मत जाना इस गैराज के पास। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे। ऐ मेरे खुदा, ये कैसी इम्तिहान की घड़ी है, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता दिखा मेरे खुदा, कोई रास्ता दिखा। सुनो भाई, सुनो भाई, रुको भाई, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैंने देखा तुझे, पूरे दिन रोजे में काम किया तूने, पर सेठ ने तुझे एक रुपया भी नहीं दिया, बहुत गलत हुआ मेरे भाई, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। कोई बात नहीं भाई, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। सही कह रहे हो भाई, भलाई का जमाना नहीं रहा। भाई ये तो इंसान की फितरत है, जब उसके पास दौलत आ जाती है तो वो अपने अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अकड़ पैदा कर लेता है। ये मुख्तसर सी जिंदगी जो हमें यहाँ पर जीनी है, उसे इंसान समझ नहीं पाता है, उसे लगता है कि उसे हमेशा यहीं पर रहना है, और वो किसी का भी दिल दुखा देता है। जो जिंदगी इंसान मोहब्बत में बसर कर सकता है, वो कभी दौलत में नहीं कर सकता, और उसका जीता जागता सबूत आप हैं। आपके दिल में मेरे लिए सिलाए रहम आया, तो आप मेरे लिए यहाँ तक चले आए, ये होती है मोहब्बत। और देखो उसके पास दौलत है तो उसने मुझे वहाँ से मेरा हक दिए बगैर निकाल दिया। भाई काश मैं तेरे काम में आ सकता था, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पे कुछ रुपए होते तो मैं तेरी कुछ मदद करता, लेकिन मैं खुदा से तेरे लिए दुआ करूंगा मेरे भाई। शुक्रिया मेरे भाई, मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलता हूँ भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे भाई। सकीना इफ्तार का वक्त हो गया, पापा अभी तक नहीं आए। हाँ भाई, पता नहीं पापा कहाँ रह गए। कुलसुम अभी, पापा अभी तक नहीं आए, हमारे लिए सामान लाते। बच्चों आप हमारे साथ घर चलो, आज आप हमारे साथ इफ्तार करना। नहीं अभी हमारे पापा आने वाले होंगे, हमारे लिए इफ्तारी लाएंगे। अरे बच्चों तुम्हारे पापा ने ही तो बोला है, आज आप लोग हमारे घर इफ्तार करोगे और आपके पापा भी आने वाले होंगे। चलो बेटा आपके पापा भी आते होंगे। मैं घर के पास तो आ गया हूँ, अब बच्चों के सामने किस मुंह से जाऊं। मेरे बच्चे इस आस में बैठे होंगे कि पापा इफ्तार का सामान लेकर आएंगे, मैं तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। ए अल्लाह मुझे ताकत दे, क्या करूं मैं, अंदर कैसे जाऊं। पापा पापा जल्दी चलो, वहाँ पे इफ्तारी हो रही है। कहाँ बेटा? यहाँ पर अंकल के। चलो। देखो पापा वहाँ पर है। किधर बेटा? वहाँ पर।
अलैकुम अस्सलाम। आप सब ये, मैं समझा नहीं कुछ। अरे भाई आप बैठिए तो। शुक्रिया, चलो बेटा बैठ जाइए। बैठिएगा आप भी, बैठिए। भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, ये इफ्तारी हमारी तरफ से आपके लिए। अरे आपने हमारे लिए इतनी जहमत क्यों उठाई? अरे इसमें जहमत की क्या बात है, ये तो हम लोगों का फर्ज है। इस बार हम प्यारे प्यारे बच्चों से मिल लिए। आज आप लोगों की वजह से मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई है। बेशक अल्लाह अपने बंदों के लिए किसी ना किसी को जरिया जरूर बना देता है। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह, बेटा लीजिए। इस माह रमजान के मुबारक महीने को मिल बांट कर और खुशियों के साथ बिताएं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सबको हमारी तरफ से रमजान मुबारक।